हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बात करूंगा फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसका फॉर्म आउट हो चुका है। पूरी बात करूंगा एग्जाम एक्सेप्टेड, एडमिशन प्रोसेस और कट ऑफ और प्लेसमेंट क्या रहती है इस कॉलेज की। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत वेल प्रेस्टिजियस कॉलेज है, जो कि न्यू दिल्ली में है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वेल रेकग्नाइज कॉलेज है जो कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए MBA कराता है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों को कोई भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं जो कि एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड होते हैं, और उसके बाद आपके काफी सारे फॉर्म्स आते रहते हैं, तो उन सारी जानकारी हम लोग देते रहते हैं आप लोगों को। यह हमारा टेलीग्राम चैनल, यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इन लोग को भी सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो इनको सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि काफी सारा फ्री कंटेंट देते रहते हैं हम, जो कि टेलीग्राम पे आता रहता है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैं काफी सारे करंट अफेयर्स वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो एक वेल MBA स्टूडेंट और एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, तो इसको जाके ज्वाइन करें और अपना प्यार दर्शाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अ मैनेजमेंट अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विद रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स आपके बैचलर्स की जो डिग्री है उसमें आए होने चाहिए। अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑब्टेंड द कैंडिडेट मस्ट एंटेल और मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एजुकेशन आफ्टर कम्प्लीटिंग हायर सेकेंडरी स्कूलिंग, यानी कि 10+2 करने के बाद। एक बात ध्यान रखिएगा, एक दिन एक बच्चे का कमेंट आया था मुझे कि उसने 10th कर लिया, उसके बाद उसने डिप्लोमा कर लिया है, तो क्या वो दे सकता है कैट? नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने 10+2 यानी कि 12th नहीं पास किया है तो आप एलिजिबल नहीं है किसी भी सर्कमस्टांसेस में। उसके बाद आपके पास 3 year की कंपलसरी डिग्री होनी चाहिए, 3 मिनिमम होती है, 4 जैसे कि बीटेक वाले होते हैं और भी काफी सारे डोमेन्स होते हैं उनमें 4 year की और 5 year की डिग्री भी होती है, वो सब भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री 3 year की है तो आप दे सकते हैं कैट का एग्जाम और इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन आल्सो एलिजिबल, यानी कि अगर आप अभी 3rd year ऑफ योर एजुकेशन है, यानी कि आपकी जो डिग्री है, जैसे कि मान लीजिए आप BBM में हैं 3rd year में और आपने कैट वैट दिया हुआ है, तो आप इस कॉलेज का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। वैलिड कोएट और जेट स्कोर, यानी कि यहाँ पे जो कैट है और जेट है उसका स्कोर एक्सेप्ट करता है कॉलेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्सेज कौन से ऑफर्ड होते हैं? तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी कि PGDM। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन IB। उसके बाद है PGDM इन FM। उसके बाद है PGDM BDA। तो अगर आप इन सारे कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप किसी के लिए मान लीजिए कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है, तो आप ये कोर PGDM ले लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको 2nd year में एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, तो आप उससे परस्यू कर सकते हैं। काफी अच्छा कॉलेज है, काफी अच्छे कोर्सेज हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 4 प्रोग्राम है, तो अगर आप लोगों को एक करना है तो आपकी जो बेस प्राइस होगी वो 1650 और इंक्लूडिंग GST हो जाएगा 1947। दो प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन मतलब एप्लीकेशन फीस भरेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको PGDM और PGDM इन IB के लिए दोनों के लिए ही अपना जो फॉर्म है वो भरना है, तो आप लोगों की जो फीस होगी वो होगी 2950। और उसके बाद 3 प्रोग्राम के लिए 3894। और अगर आप लोगों को चारों प्रोग्राम फिल करने हैं, यानी कि आपको लगता है कि आपको चारों के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आप लोगों की फीस होगी 4130। तो चलिए बात कर लेते हैं सीट्स की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, PGDM में है 180 सीट्स, PGDM IB में है 120 सीट्स, और PGDM FM और BDA में दोनों में 60-60 सीट्स हैं। तो कट ऑफ क्या जाता है? कट ऑफ के लिए काफी बच्चे वरिड रहते हैं कि हमें अप्लाई करना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे को पता है। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे PGDM का जो कट ऑफ है वो है 85.75, PGDM IB का 79.0 और PGDM FM का 76। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो कट ऑफ होता है, जो अगर मैं उनको हटा दूं कोर्सेज को, तो 75+ जाता है बेसिकली। अगर आपके कैट में 75+ आए तो आप लोग देख लीजिए आपको किस में करना है। तो ये आप लोगों का एक मिनिमम कट ऑफ इसको सेट कर सकते हैं। अगर इस तक आया है आपका तो आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको जेड के थ्रू लेना है तो 86 PGDM में, उसके बाद 81 PGDM IB में और PGDM FM में 77। ये जो मिनिमम कट ऑफ है ये हमने 2020 से लिए, यानी कि पिछले साल से लिए, सॉरी 2019 से। तो अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है, अगर आप
इस साल में भी शायद थोड़े ज्यादा और कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर इसके बीच में आपका आया है तो आपको कॉल नहीं आएगा, ये फॉर श्योर है कि आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जीमैट की। तो अगर आपका स्कोर है 650 तो आपको पीजीटीएम के लिए कॉल आ जाएगा, 600 है तो पीजीटीएम आईबी के लिए आ जाएगा, और 600 है तो पीजीटीएम एफएम के लिए भी आ जाएगा। तो चलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जैसे कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने कोई भी टेस्ट दिया है तो उसका जो वेटेज होगा वो 35% होगा। उसके बाद इनका बिजनेस अवेयरनेस का क्विज होता है जो कि 5% होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी जो बिजनेस अवेयरनेस के क्विज हैं ये आप लोग इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद एक्सटेम्पोर होता है, उसमें भी 5% ये इंक्लूड करते हैं। उसके बाद रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 10%, इसमें बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चन पूछते हैं ये। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज होता है वो होता है 20%। उसके बाद पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स यानी कि आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन है उसका 15% इंक्लूड करते हैं। और अगर आपके पास वर्क एक्स है तो 10% आपको दिया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो ये 10% नहीं दिया जाएगा आपको। तो आप लोगों में से काफी सारे बच्चे वरीड होते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो बेसिकली ये कॉलेज की वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एडमिशन ओपन इन सारे डोमेन के लिए। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, न्यू यूजर पे क्लिक करना है आगे के, और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का भी एक बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। नीचे डिटेल में इंस्ट्रक्शन वैसे भी दिए हुए हैं, बाकी मैंने आप लोगों को जो मोटी मोटी चीज़ें वो बता दी हैं, तो नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिए। तो जैसा कि अगर काफ़ी सारे बच्चे इस बार के लिए वरीड रहते हैं कि प्लेसमेंट क्या जाता है, तो जो प्लेसमेंट है वो मार्केटिंग का गया था 80 लाख पर एनम जो कि हाईएस्ट था। उसके बाद ऑपरेशंस में 20, उसके बाद आईटी में 30, उसके बाद फाइनेंस में 11, उसके बाद कंसल्टिंग एंड रिसर्च में 12% और 11% एचआर में। यानी कि ये जो ये जितने भी हैं ये सब हाईएस्ट प्लेसमेंट हैं। तो ऑन एन एवरेज जो इनका प्लेसमेंट जाता है वो जाता है अराउंड अराउंड 10 का। बाकी ये कॉलेज की वेबसाइट की बातें हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप लोग इनके बच्चों यानी कि जो एलुमनाई है उनको कांटेक्ट करिए, वो आप लोगों को बेहतर बता पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में पिन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।